नमस्कार, हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं करेला की सब्जी बनाने। करेला को अच्छे धोए, धोकर हल्का हल्का छिलका निकाल लिए हैं। अभी देखिए बीच में से चीरा लगा दिए हैं। अब इसमें हम मसाला भरेंगे और पकाएंगे करेला का हलवा। और उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, देखिए उसके लिए मसाला तैयार किए हैं। इसमें हम प्याज काटे, प्याज और राई का फोरन दिए, और जीरा, काली मिर्च, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा अचार डाले हैं या आमचूर डालिए खट्टा के लिए थोड़ा। और इसको अच्छे से पका लिए हैं, मसाला बना लिया है, इसको भरेंगे हम। देखिए कैसे भर रहे हैं अच्छे से इसको, जितना भरेंगे मसाला उतना अच्छा लगेगा, चटकार बनेगा, टेस्टी लगेगा। उसके बाद उसको ऐसे बांध लेंगे धागे के सहारे अच्छे से, ताकि पकने के बाद मसाला उसमें अच्छा से रहे। देखिए करेले के लिए तेल गरम हो गया हमारा, तेल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, फिर इसको करेला को डालेंगे। डाल कर उसको एकदम आँच धीमे करके अच्छे से वो लिख करके पका लेंगे, जब तक पक नहीं जाता। देखिए सहारे ऐसे पलट के दूसरी तरफ का भी अच्छे से सेकेंगे, फिर हमारा तैयार है हलवा। सब पलट के हो गया हमारा, हम ढक देंगे, ढक के अच्छे से पकाना पड़ता दोनों। ये इसको कम से कम 20-25 मिनट से हम धीमे आंच पर रख के बना रहे हैं। अब तैयार हो गया है हमारा हलवा। देखिए हमारा हलवा बन के तैयार है।